विश्व में कबीरपंथियों का बड़ा जोर है। सूरत में अंदर कबीरपंथियों के बहुत से मंदिर मठ हैं और सेवा केंद्र चलते हैं, निर्मूल्य भोजन कराते हैं। और ये जो वयोवृद्ध साधु महाराज हैं वो मठाधीश हैं और उनकी आयु 99 वर्ष चल रही है, 99 वर्ष पूरे करके 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। वो मेरे पास में आए और उन्होंने एक अभिलाषा व्यक्त की कि मुझे मशीन लगाने के बाद में भी नहीं सुनता बेटा, क्या मुझे सुनवा दोगे? मैंने कहा हाँ दादा, हम एक घंटे में आपको सुनवा देंगे। तो हंसने लगे, बोला सचमुच करवा देंगे? तो हमने कहा हथकंगन को आरसी क्या आप करवाइए। तो हमने इनके बिना मशीन बिना ऑपरेशन के हमारी जो कान में डालने की दवाई खाने की दवाइयों से प्रयोग किया और दादा एक घंटे में ही मात्र सुनने लगे। सुनने के बाद में उन्होंने जो आशीर्वाद दिए वो यह है, और उन्होंने न केवल सुना, बढ़िया प्रतिक्रिया की और प्रसाद खिलाया और ये कहा कि संसार के अंदर जो काम युगों से मनुष्य जाति तब से उत्पन्न हुई है तब से आज तक बहरेपन की ट्रीटमेंट कहीं किसी ने नहीं की, नहीं सफल हुई है, पर तुम्हारी बड़ी सरल चिकित्सा पद्धति में एक घंटे में मुझे अब मशीन लगाए बिना भी मैं बढ़िया से सुन सकता हूँ। इसलिए डॉक्टर प्रवीण सुराने ने कहा कि अब मशीन की आवश्यकता नहीं है दादा, बिना मशीन के सुनिए। वातावरण इतना सुंदर बन गया था, उन्होंने द्रव्य लेने का आग्रह किया, पर डॉक्टर साहब ने कहा, प्रवीण भाई ने और अन्य डॉक्टरों ने, कि दादा आपका मूल्य नहीं है, आपको तो हम विशेष सेवा देना चाहते हैं। इसी चीज़ के बहुत भाव विभोर हो गया था वातावरण, और ये संसार के लिए ऐसा प्रयोग हम लोग पहले प्रवीण सुराना केंद्र के अंदर डेफकेयर सेंटर के अंदर सैकड़ों पेशेंटों पर हो चुका था, इसलिए हमारे लिए नई बात नहीं थी, पर वहाँ के सूरत के लिए बहुत नई बात थी। ठीक करना, आशीर्वाद लेना, फिर उनसे बुलवाना, 100 वर्ष के आयुष के लोगों को यह बताना कि बहरापन अब कोई संसार में रोग जैसा नहीं है, और इसके प्रचार प्रसार करना, ये अपने आप में बहुत कठिन कार्य था। इसलिए हमने वीडियो विश्व के कल्याण के लिए और जनता को विश्वास दिलाने के लिए रखा है, यह सत्य है। उनके फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ मिलेंगे। खूब खूब आभार आपका, धन्यवाद।